लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। भारतीय जनता पार्टी है जो बूथ पर काम करने वाले छोटे से कार्यकर्ता को इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका एक भारतीय जनता पार्टी दिए। एक गरीब के घर में जन्मे हुए व्यक्ति को, एक चाय बेचने वाले के बेटे को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया बनाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमारी पार्टी वंशवाद के आधार पर नहीं चलती, हमारी पार्टी लोकतंत्र के आधार पर चलती है। और इसीलिए जब हमारी सरकार बनती है तब विकास होता है। जो एक पूर्वांचल ये बुआ भतीजा के समय में मच्छर और माफियाओं से बहुत परेशान होता था या नहीं होता था? माफिया परेशान करते थे या नहीं करते थे? बंटी से दिमाग का बुखार बढ़ता था या नहीं बढ़ता था? भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनी और माफिया न जाने कहां पलायन कर गए हैं और स्वच्छता अभियान से दिमाग का बुखार भी नीचे 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 जा रहा है। मोदी जी के नाम से पूरे गोरक्ष क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता और जनता का आह्वान करने वाले एक बार 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सरकार बना दीजिए, हम उत्तर प्रदेश को 5 साल में देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे। मोदी जी ने 8,00,000 करोड़ के साथ साथ 33,000 करोड़ रुपया उज्जवल में, 1,22,000 करोड़ रुपया केंद्रीय योजना में, 66,000 करोड़ रुपया मुद्रा लोन में, कुल 10,27,00,000 रुपया 10,27,00,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित बना है, देश का गौरव बढ़ा है। पर ये जो गठबंधन है ना, गठबंधन मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, जरा भी चिंतित मत होना, चुनाव के नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं यूपी के चप्पे चप्पे को जानता हूं, उत्तर प्रदेश का परिणाम दीवार पर लिखा हुआ पढ़ाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश में 73 की 74 सीटें होगी, 73 की 72 सीटें नहीं होगी। एक गठबंधन को साफ करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। मित्रों, ये तभी हो सकता है जब उत्तर प्रदेश का बूथ का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जाए। आप मुझे बताओ, भाई घर घर जाकर मोदी जी का संदेश लेने के लिए तैयार हो क्या? जोर से बोलो, तैयार हो? घर घर जाकर कमल का प्रचार करने के लिए तैयार हो? फिर से एक बार मोदी सरकार लाएंगे, गोरख क्षेत्र की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश को देश का सबसे 1 नंबर का राज्य बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जोर से मुट्ठी खींचिए, सभी कार्यकर्ता हाथ उठाए। योगी जी जय श्री राम बोलते थे, मैं आप सबके चेहरे पर आपका भाव देख रहा हूं। मुझे मालूम है आपके मन में क्या पड़ा, कार्यकर्ता के मन में है राम मंदिर के लिए भाजपा का स्टैंड क्या है, कि भारतीय जनता पार्टी वही जगह पर जल्द से जल्द भव्य श्री राम मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध है और हम संकल्पित। देश की सुप्रीम कोर्ट ने क्या
योगी जी की सरकार बनी, योगी जी को कहा गया ट्रांसलेशन करना है, बड़ी आपत्ति है, 5 साल तक नहीं हो सकता। योगी जी ने कहा मन में धाना है तो कुछ भी हो सकता है। 6 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा पुस्तकों का ट्रांसलेशन कराकर देश चलाने का रास्ता एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जैसे ही केस चलने पड़ा ये कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, ये केस को 2019 के बाद चलाया जाए। क्यों भाई? देश का सबसे पुराना मुकदमा है, क्यों नहीं चलना चाहिए? देश विदेश के दुनिया के अरबों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, आप क्यों केस सबमिट करना चाहते हो? किसको खुश करना चाहते हो? वो कितना भी जोर लगा रहे, अभी राम जन्मभूमि न्यास में कांग्रेस सरकार ने उसकी 42 एकड़ जमीन, 42 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। मोदी जी को आवेदन दिया, मोदी सरकार को आवेदन दिया कि हमारी भूमि वापिस दे दो, हमने अपने पैसे से भूमि को खरीदा है, श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बना। मोदी जी ने कमी की देर करे पड़े, 1 सप्ताह में निर्णय कर श्री राम जन्मभूमि न्यास को 42 एकड़ जमीन वापिस देने का फैसला एक भारतीय जनता पार्टी। मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने के लिए कटिबद्ध है। मैं बुआ जी, भतीजा और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी का स्टैंड जरा यूपी की जनता के सामने, देश की जनता के सामने स्पष्ट करिए, इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप नहीं चाहते हो तो ना बोल दो, आप हाँ बोलो या ना बोलो, भारतीय जनता पार्टी वहां पर राम मंदिर बनाकर ही रहने वाली है। मगर देश की जनता के सामने स्पष्टता के साथ जाना चाहिए, देश की जनता के सामने साफ दिल से जाना चाहिए। देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस है या नहीं? और मैं मांग करता हूं तीनों पार्टियों को स्पष्टता से देश की जनता को आप बताओ, हम ट्रिपल तलाक का कानून लेकर हैं, मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए माताओं बहनों को अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ट्रिपल तलाक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अभी अभी कांग्रेस के माइनॉरिटी मोर्चे के अध्यक्ष ने, वहां की महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा हम आएंगे तो ट्रिपल तलाक फिर से ला देंगे। अब आप सपने देखते नहीं, ना आपको आना है ना ट्रिपल तलाक को फिर से आना। इस तरह से नहीं चलेगा, इस देश की हर महिला को अपने सम्मान का अधिकार है, बराबरी के इसके दर्जे का अधिकार है, और वो अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी देकर ही मोदी जी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ये करकर ही रहेगी। मित्रों, आतंकवाद का कॉरिडोर बनाया था हमने, ईस्टर्न हाईवे का और डिफेंस का कॉरिडोर बनाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। एंटी रोमियो स्कोर बनाकर मां बेटियों को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्र, उत्तर प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर जाइए, मोदी जी के भेजा हुआ गैस का सिलेंडर किसी जाति के भेदभाव के बगैर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मिला है, और कई माताएं अपनी रसोई को धुआं मुक्त करेंगी। मित्रों, उज्ज्वला योजना के अंदर 1 करोड़, मैं फिर से कहना चाहता हूं, 1 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
जनधन खाते, एलईडी बल्ब, सौभाग्य योजना से 75 लाख लोगों को लाइट देना और लगभग 1.71 करोड़ लोगों को शौचालय देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, केंद्र की यूपीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। यहाँ सपा बसपा की सरकार थी, 3,30,000 करोड़ रुपया देते थे। कितना देते थे जोर से बोलिए जरा, 3,30,000 करोड़, जोर से बोलिए कितना। मैं अखिलेश को कहना चाहता हूँ, अखिलेश बाबू आप 3,30,000 करोड़ लेकर आते थे केंद्र से, मोदी जी 8,08,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख मुद्दा है, देश की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज सबसे बड़ा बजट, आजादी के बाद सबसे बड़ा बजट 3,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और दूसरी ओर एक बुआ भतीजा कांग्रेस किस प्रकार से देश चला, मैं पूछना चाहता हूं महाराज के सारे कार्यकर्ताओं को, आप उन्हें बताइए इस देश के अंदर से घुसपैठ के बाहर जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। कैसे नहीं चलेगा भाई, जोर से बोलो, घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, और जोर से बोलो निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार असम में एनआरसी लेकर आई, 40,00,000 घुसपैठियों को चिन्हित करकर उनको निकालने की शुरुआत करी है। मगर कांग्रेस, सपा, बसपा, अजीत सिंह सारे विरोध कर रहे हैं। आलिया, माल्या, जमालिया, कोई भी इस देश में घुस जाए आप सहमत हो क्या बताओ, जरा वोट बताओ, सहमत हो। तो सिर्फ असम से शुरुआत करें, 2019 में यूपी की जनता फिर से नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार बनाए, कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम एक भारतीय जनता पार्टी।